चुनावी घमासान के बीच नेताओं की बदजुबानी का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह ने कहा, जो मोदी पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट देंगे। वहीं एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विवादित बयान दे दिया। आरजेडी के उम्मीदवार दरभंगा में कहते हैं, वंदे मातरम मैं नहीं बोलूंगा। जो वंदे मातरम नहीं कर सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकता, अरे गिरिराज के तो बाबा दादा सिमरिया घाट में गंगा के किनारे मरे और उसी भूमि पर फिर हमने कोई कब्र नहीं बनाया। तुम्हें तो तीन हाथ का जगह भी चाहिए, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो दूसरा देश कभी माफ नहीं करेगी। हमीरपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार ने पीएम को लेकर विवादित बयान दिया और नोटबंदी में मरने वाले लोगों के लिए जिम्मेदार ठहराया। 107 लोग को हिंदुस्तान में नोटबंदी के बाद बैंकों में लाइन लगे लगे पैसा मिलने के कारण, हाथ फिर होने के कारण लाइनों में मर गए। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये 107 लोग जो मरे हैं इनका कातिल कौन है? आपसे पूछता हूं, इनका कातिल कौन है? इनका कातिल इस देश का चौकीदार है। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने आतंकवाद को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जो व्यक्ति सामने है, इन्होंने कहा था भगवा आतंकवाद, इन्होंने कहा था हिंदू आतंकवाद। अरे तुम क्या जानो कि भगवा कभी आतंकवाद नहीं होता, भगवा धारण करने वाला कभी आतंकवादी नहीं होता। आतंकवाद तो त्याग तपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है, और जब चुनाव का समय आता है तब कांग्रेस के नेता और ये दिग्विजय सिंह स्वयं जगह जगह पर इसी भगवा की शरण में माथा टेकते हुए दिखाई देते हैं। नेताओं की बदजुबानी का दौर बदस्तूर चल रहा है। देखना है जनता ऐसे नेताओं को क्या सबक सिखाती है।